सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्ट्रोक। आज के AEW के ऑल आउट पेपर व्यू में टाइम हो चुका है AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के मैच का, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इनका राइवलरी कैसे देखने को मिलता है। तो गाइज, शायद ऑल इन पेपर व्यू में हमें स्टेडियम स्टैम्पेड मैच देखने को मिलता है। शायद क्या स्टेडियम स्टैम्पेड मैच होता है, और आई थिंक मेरे को याद है कि आप ये बोल सकते हो कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को से तरफ से जॉन मॉक्सली रहते हैं, और उधर से उनके ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ऑरेंज कैसिडी और काफ़ी लोग रहते हैं। तो स्टेडियम स्टैम्पेड मैच हमें देखने को मिलता है, और गाइज वहीं से इनकी राइवलरी की शुरुआत होती है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू में हमें स्टेडियम स्टैम्पेड मैच देखने को मिलता है BCC वर्सेस काफ़ी सारे ओपोनेंट के बीच में। मैच का क्या रिजल्ट आता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो गाइज हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद गाइज, जो AEW ऑल इन के बाद हमें जो डायनामाइट का एपिसोड देखने को मिलता है, वहीं पे ऑल इलीट रेसलिंग अनाउंस करती है कि पेंटा एल जेरो वर्सेस ऑडेंस कैसिडी के बीच में AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो जॉन मॉक्सली को फेस करेगा। मेन इवेंट पे हमें मैच देखने को मिलता है AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए। मैच का रिजल्ट ये आता है कि इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली नहीं बल्कि पेंटा एल जेरो हारते हैं, और ऑडेंस कैसिडी अपना इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, यानी कि ऑरेंज कैसिडी अपना इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद जॉन मॉक्सली आकर उनको कन्फ्रंट करते हैं, फिर ऑफिशियली अनाउंस होता है कि AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली वर्सेस ऑरेंज कैसिडी का मैच होगा। और गाइज, आज के कॉलिशन शो में, यानी कि अभी से जो एक दिन पहले हमें AEW का कॉलिशन शो देखने को मिला, वहाँ पर जॉन मॉक्सली उनको कन्फ्रंट भी करते हैं, कुछ बातें भी बोलते हैं ऑरेंज कैसिडी के बारे में। तो गाइज, आज के AEW के ऑल आउट पेपर व्यू में हमें ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन मॉक्सली के बीच में ये वाला मैच अभी देखने को मिलने वाला है। अभी से कुछ मिनट के बाद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तभी सारे सुपरस्टार का एंट्रेंस हो रहा है, एंट्रेंस के बाद स्टार्ट होगा। तो हाँ गाइज, आज के AEW के ऑल आउट पेपर व्यू में समय हो चुका है AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के मैच का। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटिंग ऑड्स पर डिस्कस करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि मैच में काफ़ी ज़्यादा आपको मोमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं पर रिजल्ट की बात रही तो मेरे को लग रहा है कि ऑडियंस कैसिडी ही जीतने वाले हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको फाइनली हेल्प करेगी। बाय बाय फ्रेंड्स।